पोको एक्स थ्री तो प्रो ये को तो कैसे अपन डाउनलोड डाउनलोड करें कर एम आई यू लिए आई हैं। 13 से एम आई यू आई 12 पे, बिना बूटलोडर अनलॉक किए, ठीक बिना है, कस्टम रिकवरी किए हाँ और ये बिना तो पीसी ठीक के, है, ये तो सोल्यूशन है, ये डाटा तो आपका वाइप हो सोल्यूशन जाएगा सारा, है। इसलिए डेटा को बैकअप कर लेना। हेलो गाइस, टायरेंट हियर। तो आज आप देख रहे हैं ये वाली वीडियो, तो ये मेरी पहली वीडियो है लॉन्ग वाली, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बना दी मैंने ये वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने फ़ोन को डाउनग्रेड करें एम आई यू आई 13 से एम आई यू आई 12 पे और एम आई यू आई 12.5 पे। तो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, ये दो फाइल चाहिए जो मैं दिखा रहा हूँ, ये 12.5.6 और एक जिस पे आप हो, एक एक तो वो चाहिए जिस पे आप हो और एक वो वाली चाहिए जिस पे आपको डाउनग्रेड करना है। और फिर आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। इनको डाउनलोड करने का प्रोसेस है, तो उसके लिए आप लास्ट स्टेप्स पे स्किप कर देना, मतलब लास्ट एकदम वीडियो के लास्ट पे चले जाना, वहाँ पे डाउनलोड वाला प्रोसेस दिखाऊंगा मैं। तो अभी आपको यहाँ पे एम आई ओ 13 के ऊपर क्लिक करना है बहुत ज़्यादा, जब तक ये दिखाना आ जाए एडिशनल फीचर्स, और चूज़ अपडेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ऊपर वाले जो ये ऊपर वाले थ्री डॉट देख रहे हैं, और यहाँ से अपना पोको एस थ्री प्रो को सिलेक्ट करना है, और इधर से डाउनलोड वाले पे जहाँ पे भी आपने डाउनलोड करा है, और फिर उधर से अपनी वो जो जिस पे आप रोम जिस रोम पे अभी आप हो, जैसे कि मैं अभी 13.0.1 पे हूँ इंडिया वाले पे, तो मैंने उसको सिलेक्ट करा, और अभी ये रिट्रीविंग कर रहा है इन्फो, और अभी सीधा रिबूट वाला ऑप्शन देगा। जैसे ही ये ऑप्शन देगा आपको बैक करना है और फाइल मैनेजर के अंदर चले जाना है, और फाइल मैनेजर के अंदर जैसे ही आप जाएंगे और डाउनलोड के अंदर जाएंगे, तो ये जो 13 वाली फाइल है इसको आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके रिनेम करना है, और इसका जो भी ये मतलब टेक्स्ट है इसको सबको कॉपी कर लेना है आपको, और इसको जैसे ही आप कॉपी करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारा मिटा देना है कॉपी करके, और फिर ओके करना है। फिर ये जो 12.5.6 वाली थी इसको थ्री डॉट पे क्लिक करके रिनेम करके जो आपने कॉपी किया था अभी उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए इसको हटा के, और जैसे ही आप इसे पेस्ट करेंगे ओके कर देंगे, और यहाँ से वहीं पे जहाँ से रिबूट एंड अपडेट मांगा था उस पर क्लिक कर देंगे, और ये जैसे ही रिबूट एंड अपडेट होगा डिक्रिप्टिंग शुरू हो जाएगी, और डिक्रिप्टिंग जब शुरू हो जाएगी मतलब समझ जाना कि आपका डाउनलोड हो रहा है। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट स्टेप पे स्किप कर देता हूँ वीडियो को, और गाइस यहाँ पे देखिए अपडेट हो रहा है, और जब जब ये अपडेट होगा ना, जब जब बोल रहा हूँ लेकिन ये अपडेट हो रहा है, इसको टाइम लगेगा, 5 से 6 मिनट इसको लगेंगे, तो पैनिक बिल्कुल मत होना, क्या पता आप डर जाइए कि यहाँ पे ऑन नहीं होने वाला। नहीं यार ऐसा नहीं है, ऑन हो जाएगा, इसको 100 होने देना। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ सिंपली, और मिलते हैं आपसे सीधा इसको होने के बाद कंप्लीट। तो ये कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे आपका मोबाइल रिबूट हो गया, और यहाँ पे देखते हैं ये मोबाइल किस पे रिबूट होता है, रिकवरी पे या सीधा सिस्टम पे। और अभी यहाँ पे थोड़ा बंद हुआ ये, और यहाँ पे पोको अब मेरे ख्याल से रिकवरी पे बूट हो रहा है, और यहाँ पे रिकवरी पे बूट हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, वॉल्यूम बटन से कंट्रोल करेंगे वाइप डेटा, और यहाँ पे वाइप ऑल डेटा, और यहाँ पे कंफर्म, और जैसे ही डाटा वाइप हो जाएगा पूरा रिटर्न करना है आपको, और यहाँ से रिबूट टू सिस्टम कर देना है। यहाँ पे कैमरा फोकस नहीं ले रहा है, लेकिन मैंने कर दिया रिबूट टू सिस्टम, और ये जैसे रिबूट टू सिस्टम करेंगे आप देख रहे होंगे कि मेरा बूट लोडर अनलॉक नहीं है, मैंने लॉक कर दिया था उसको अपना फास्ट बूट रोम फ्लैश करके, लेकिन इसको बूट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो पेशेंस, क्योंकि ये पहली बार बूट हो रहा है फायरमेंट डेटा करके। देखिए एम आई यू आई का लोगो आ चुका है, इसका मतलब आपका डिवाइस बूट हो जाएगा। तो अभी मैं स्किप कर देता हूँ, सीधा बूट पर दिखाता हूँ आपको। तो ये बूट हो चुका है, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, ये देखिए गाइस डाउनग्रेड हो चुका है। पहले जब मैंने फुटेज दिखाई थी तो 13.0.1 पे था, और ये 12.5 पे। तो मैं इस सेटअप को स्किप करके आपको दिखाता हूँ गाइस। सेटअप मैंने स्किप कर दिया, और यहाँ पे ये मतलब लोडिंग कर रहा है ऐप्स को, तो मतलब ऐप लोड हो रही है सिंपली लेस। तो ऐप लोड हो गए हैं, जैसे ही मैं दिखाऊंगा आपको कौन सा वर्जन चल रहा है मोबाइल के अंदर। तो ये देखिए हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है, और यहाँ पे फर्स्ट बूट है इसका, और फर्स्ट ही यहाँ पे फर्स्ट बार ऑन हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग के अंदर चल के, यहाँ पे ये देखिए 12.5.6 है गाइस, जिस पे हमने डाउनलोड किया था देखिए। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब वो वाला स्टेप आने वाला है कि मैं डाउनग्रेडिंग बोल रहा हूँ, डाउनलोडिंग प्रोसेस दिखाऊंगा आपको, तो देख लीजिए यहाँ पे डाउनलोडिंग प्रोसेस। तो लेट्स गो। तो गाइस डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप कुछ ऐसे वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, तो वेबसाइट पर पहुँचते आपको यहाँ पे अपने रीजन और अपने वर्जन से हिसाब से आपको रोम को डाउनलोड करना है। जैसे कि अभी मैं 13.0.1 पे था, तो मैं यहाँ पे अपने इंडिया के लिए ढूंढता हूँ, तो ये रहा रिकवरी रोम, यहाँ पे डाउनलोड करना है आपको। तो रिकवरी रोम
ये देखिए यहाँ पे, इसको डाउनलोड कर लेना है आपको। मैं भी नहीं करूँगा क्योंकि मैंने कर रखी है। और जिस पे मेरे को डाउनलोड करना है, यानी कि 12.5.6, ये रही इंडिया वाली, इसको डाउनलोड कर लेता है रिकवरी रोम को। तो इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। सो गाइस, ज़्यादा कि आपने देखा कि हमने डाउनलोड कर लिया सक्सेसफुली अपने पोको एस3 प्रो को MIUI 12.5.6 पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और उम्मीद करता हूँ कोई पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।